हेलो एवरीवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बहुत टाइम के बाद आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हमारे ऑनलाइन क्लासेस uh, आज मैं कोई पर्टिकुलर ग्रामर टॉपिक नहीं करा रही हूँ या कोई रीडर से कोर्स बुक से कोई तुम्हारे से नहीं कोई मैंने चैप्टर लिया है बट आज रेंडमली मैंने एक प्रीवियस पेपर कोई है शायद लो डिविजन क्लर्क का है uh, ये uh, मैंने जो सेट uh, लिया है क्वेश्चंस का लोअर डिविजन क्लर्क के पेपर में से ठीक है ये क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे और ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस में मैं आगे आपको कराने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेंगे आपकी ग्रामर को एनहैंस करने के लिए उसको थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए आई एम श्योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन बच्चों को भी बहुत हेल्प मिलेगी एम श्योर तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फाइंड द एरर हमारे पास कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं हमें उसमें हर सेंटेंस में कुछ न कुछ मिस्टेक है हमें वो मिस्टेक फाइंड आउट करनी है ढूंढनी है तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है शेक्सपियर हैज़ रिटन ऑब्लिक मैनी प्लेस ऑब्लिक एज वेल एज सम पोइट्रीज शेक्सपियर हैज़ रिटन देखो यहाँ हमारे पास शेक्सपियर हमारा सब्जेक्ट है एक नेम है नाउन है और नेम जब होता है तो उसे हम मानते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर मानते हैं सिंगुलर है एक ही नेम है तो सिंगुलर भी है है ना और नेम्स किस में आते हैं थर्ड पर्सन में फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन आपको सबको पता है क्या क्या है प्रोनाउंस में आपने किए होंगे एम श्योर sure. तो फर्स्ट पर्सन जो पर्सन uh, बात कर रहे हैं वो अपने लिए जो जो वर्ड यूज करता है लाइक आई मी माए माइन है ना ये होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन होते हैं जो सुनने वाला अपने लिए लिसनर्स जो अपने लिए वर्ड्स यूज करते हैं लाइक पर्सन जो बोल रहा है वो सुनने वाले के लिए क्या क्या वर्ड यूज करेगा यू योर योर्स है ना इस तरह से हम जैसे हिंदी में आप आपका यूज़ करते हैं वैसे इंग्लिश में हम यूज़ करते यू योर योर्स और थर्ड पर्सन में आते हैं ही शी जो किसी और के बारे में हम बात कर रहे हैं अगर पर्सन बोल रहा है जैसे मैं बोल रही हूँ और मैं किसी और पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं उसके लिए क्या कहूँगी ही शी इट देम them, these दिस दैट है ना ऐसे वर्ड्स यूज़ करूंगी और इसी थर्ड पर्सन में हम इंक्लूड करते हैं नेम्स को भी तो अगर नेम जो हमारा थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है थर्ड पर्सन तो ऑटोमेटिकली है नेम है तो और वो सिंगुलर है एक ही नेम है तो उसके साथ हम हैज़ लगाते हैं ठीक है ये रूल ध्यान में रखिए अगर वर्ब है तो उसके साथ एसोरियस e आएगा अगर हैज़ब में चूज करना है तो हैज़ आएगा तो शेक्सपियर हैज़ रिटन तो आई थिंक दिस इज करेक्ट सेंटेंस क्योंकि हैज़ब के बाद हम थर्ड पर्सन यूज करते हैं दिस पार्ट इज करेक्ट नेक्स्ट इज मैनी प्लेस मैनी जो है काउंटेबल हम इसमें लेते हैं तो डिटर्मिनर्स आपने किए होंगे तो ये आ, हम इसमें जो मैनी है वो काउंटेबल तो नहीं है लेकिन अनकाउंटेबल है लेकिन हम इसे आ, आ, ये हमारा प्लूरल वर्ड है राइट प्लूरल वर्ड है तो प्ले उसके साथ जो वर्ड यूज होगा वो भी प्लूरली यूज होगा ठीक है मैनी प्लूरल है तो उसके साथ जो वर्ब के साथ हम ऐसो ये जो हमारा प्ले है नाउन है इसके साथ हम एस लेंगे प्लूरल इसे भी हमें लेना ही है ये भी पार्ट करेक्ट है नेक्स्ट है एज वेल एज सम पोएटरीज अब सम का मीनिंग होता है कुछ मैनी का मतलब भी होता है कई सारे और सम का मीनिंग होता है कुछ तो वो भी हमें ज्यादा क्वान्टिटी को शो करता है तो पोइट्रीज जो है वो करेक्ट है लेकिन ग्रामेटिकली पोएट्रीज वर्ड करेक्ट नहीं है क्यों क्योंकि आ, इसका सिंगुलर क्या होगा वट डू यू थिंक क्या मानते हो उसका पोइट्रीज का सिंगुलर क्या होगा पोएट्री तो आपको मैं बता दूं कि पोएट्रीज का पोइट्रीज अपने आप में कोई वर्ड नहीं है है ना पोएट्री का प्लुरल वर्ड भी पोइट्री ही रहता है पोइट्रीज नहीं होता है तो यहाँ हमारा एरर है क्लियर गॉट इट समझ में आया तो हमारा सेंटेंस करेक्ट क्या होगा शेक्सपियर हैज रिटन मैनी प्लेस एज वेल एज सम समयट्री आई होप यू गॉट इट समझ में आया सबको ओके okay, तो मैंने इसमें आपको कई रूल करा दिए इन सबको ध्यान में रखिए अब चलते हैं हमारे सेकंड सेंटेंस की ओर ये हमने कर लिया नाउ दिस सेंटेंस नाइदर ऑफ द गर्ल्स नाइदर ऑफ द गर्ल्स वर विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल नाइदर ऑफ द गर्ल्स देखो ये हमारे सब्जेक्ट वो अब एग्रीमेंट में आता है नाइदर ऑफ द गर्ल्स में देखो किसकी बात हो रही है एग्जैक्टली exactly? अब ये तो करेक्ट है ये पार्ट अगर हम पूरा देखें तो ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि नाइदर ऑफ़ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ अगर हम लेते हैं सब्जेक्ट में स्टार्टिंग में तो उसके बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है ये ध्यान में रखिए वन ऑफ है ना तो उसके बाद जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है तो ये पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट है वर विलिंग टू अब ये देखना है कि ये पार्ट करेक्ट है कि नहीं यहां मिस्टेक है मैं बताती हूं कैसे वर्ड जो है देखो यहाँ पे ये गलत यूज हुआ है क्यों क्योंकि अब हमारे सब्जेक्ट वो और वर हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है है ना अब यहाँ देखना है कि हमारा सब्जेक्ट एक्चुअल में क्या है सिंगुलर है या प्लूरल नाइदर ऑफ द गर्ल्स इसमें कितने हम किसकी बात कर रहे हैं कितने पर्सन है कितनी गर्ल्स की बात हो रही है नाइदर्स ऑफ द गर्ल का मीनिंग क्या है नाइदर ऑफ गर्ल्स मतलब गर्ल्स में से कोई भी नहीं यानी कि कोई भी नहीं है तो उसे हम क्या मानेंगे सिंगुलर सिंगुलर मानेंगे तो हमारी नेक्स्ट वर्ब भी एग्री करेगी सिंगुलर वर्ब आएगी है ना तो यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए अगर मैं यहां पे लिख देती आइदर ऑफ द गर्ल्स तो भी क्या होगा तो भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर ही माना जाएगा क्योंकि कोई गर्ल्स में से किसी हम एक की बात कर रहे हैं नाइदर मतलब कोई भी नहीं लेकिन आइदर है तो एक की बात हो रही तो वो भी सिंगुलर हुआ वन ऑफ द गर्ल्स हो गया तो फिर भी सिंगुलर है टू ऑफ द गर्ल्स हो गए तो टू हो गए तो फिर वो प्लूरल हो गया फिर यहाँ वर आ जाता ठीक है मैनी ऑफ द गर्ल्स मैनी हमारा प्लूरल वर्ड है जैसे हमने अभी किया था यहाँ ऊपर तो मैनी प्लूरल है तो यहाँ पे इसके साथ फिर हमारा प्लूरल वर्ब आती ठीक है तो यहाँ नाइदर ऑफ है तो नाइदर मतलब कोई भी नहीं तो उसे हम सिंगुलर मानते हैं नन ऑफ द गर्ल्स होता तो तब भी सिंगुलर होता ठीक है आई होप समझ में आपको एक्सेप्ट द प्रपोजल इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि टू के बाद में हमेशा हम वी वन लेते हैं तो ये थर्ड रूल हो गया इस सेंटेंस का है ना तो बहुत सारे सेंटेंसेस एक सेंटेंसेस में हमने बहुत सारे रूल्स किए आई होप आपको समझ में आ रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा अ इंटरेस्टिंग बुक अ टेल ऑफ टू सिटीज वॉज रिटन बाय अलेक्जेंडर डोमस अब यहाँ देखो फर्स्ट पार्ट है हमारा अ इंटरेस्टिंग बुक ये तो बहुत सिंपल है आई होप सबको समझ में आ रहा होगा जो बच्चे स्कूल uh, में पढ़ते हैं uh, उनको भी समझ में आता होगा कि इंटरेस्टिंग जो है ये वर्ड वाउल से स्टार्ट हो रहा है आई ई -E ए ओ यू इसमें ध्यान रखो देखो बच्चे uh, आपको सिर्फ लिखा हुआ नहीं देखना है हम उसको प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन में एग्जैक्टली वाउल साउंड आ रही है या नहीं वो चेक करना है बच्चे गलती कहाँ करते हैं वो सिर्फ देखते हैं कि हमने जो लिखा है जो वर्ड लिखा हुआ है उसमें वाउल है या नहीं है स्टार्टिंग में तो ये मिस्टेक नहीं करनी है आपको उस वर्ड को बोल के देखना है एग्जैक्टली साउंड चेक करनी है कि वो वाउल साउंड है या नहीं है जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं हैं या इनकी जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उनके लिए मैं हिंदी में बता दूं अगर आपको वाउल्स नहीं समझ में आते साउंड्स वाउल्स की समझ में नहीं आती है तो उसके लिए आप हिंदी में आपने स्वर किए होंगे ए आ ई ई ऊ है ना तो आप वो चेक कर सकते हैं अगर बोलने में कोई भी वर्ड जो है वाउल से स्टार्ट वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है अभी देखो इंटरेस्टिंग ई e से स्टार्ट हो रहा है ई e जो है हमारी मात्रा में आता है तो पहले स्वर की आवाज़ आ रही है तो स्वर की आवाज़ पहले आ रही हो ए आ ई में से आ रहा है तो फिर मात्रा की आवाज़ पहले आ रही हो तो हमारा उसमें क्या आता है आर्टिकल हम यहाँ एन यूज़ करते हैं क्लियर है तो यहाँ हमारी मिस्टेक थी नेक्स्ट देखते हैं एन इंटरेस्टिंग बुक अ टेल ऑफ टू सिटीज यहाँ इसमें ये देखो कि नेम है कैसे पता चलता है पहले तो इन्होंने बता ही रखा है कि ये बुक का नेम है एन इंटरेस्टिंग बुक लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं भी किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ड में फर्स्ट लेटर बिटवीन द वर्ड्स सेंटेंसेस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में आपको कोई वर्ड जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल में मिलता है तो आप समझ जाइए कि वो नेम है ठीक है एब्रीवेशन भी हो सकती है वो एक्सेप्शन है वो आपको समझ आ जाएगा डॉट्स में होगा लेकिन अगर इन बिटवीन आपको कोई वर्ड कैपिटल में मिल रहा है फर्स्ट लेटर कैपिटल में बड़े अक्षर में मिल रहा है तो आपको समझ आना चाहिए वो एक नेम है ठीक है तो उस अकॉर्डिंग अपने सेंटेंस को मॉडिफाई कीजिए चेंज कीजिए तो यहाँ ये एक नेम है टेल ऑफ़ टू सिटीज़ अब यहाँ देखो वॉज़ बच्चे गलती क्या कर जाते हैं बच्चों को लगता है कि यहाँ मिस्टेक है क्योंकि यहाँ सिटीज़ है सिटीज़ के बाद में प्लूरल वर्ब आएगा नहीं यहाँ ध्यान से कीजिए सिटीज़ ये नेम ऑफ़ द बुक है टेल ऑफ़ टू सिटीज़ ये नेम ऑफ द बुक है तो एक ही बुक का नेम है तो यहाँ पे क्या आएगा वॉज़ तो यहाँ वर नहीं आएगा यहाँ बच्चे गलती करते हैं यहाँ ध्यान रखना है ठीक है यहाँ बहुत ही कॉमन से सेंटेंस में मिस्टेक दी हुई थी लेकिन बच्चे को लगता है कि इतने आ, बड़े लेवल के एग्जाम में इतनी छोटी सी मिस्टेक कैसे होगी तो वो उसे और अपने माइंड में उसे उलझा देते हैं टिंगल्स कर देते हैं मिस्टेक्स को तो वॉज रिटर्न बाय अलेक्जेंडर डोमस क्लियर है समझ में आया सबको नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इन in इंडिया देर इज अ कामर सो यू वी नीड टू टेक पॉज देखो जब हम सेंटेंस को बोलते हैं ना अगर पंक्चुएटिंग मार्क्स को हम ध्यान में रखेंगे तो श्योर हमारी आ, हमें अपने आप से अंदाज़ा हो जाएगा कि मिस्टेक कहाँ है तो बोलने से इंग्लिश की रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने से भी मीनिंग बहुत जल्दी क्लियर होते हैं ये आपको हेल्प करेगा इन इंडिया देयर आर मैनी पुअर्स देखो आ, यहाँ एक मिस्टेक है मैं आपको बता देती हूँ पहली बात तो देयर आर मैनी अब देखो मैनी मैंने आपको पहले भी बताया मैनी जो है वो अपने आप में प्लूरल वर्ड है प्लूरल वर्ड है लेकिन तो इसके बाद ये जो नाउन जो है वो भी प्लूरल हम लेते हैं जैसे हमने पहले लिया था मैनी प्लेस है ना तो यहाँ हमने प्लूरल वर्ड लेना है बट जैसे मैंने आपको कराया था पोइट्रीज के लिए कि पोइट्री का प्लूरल भी पोयट्री ही होता है सेम वैसे ही पोअर का प्लूरल भी हम प्लू पुअर ही लेते हैं इसका भी प्लूर प्लुरल वर्ड पुअर का पुअर ही रहता है पुअर्स नहीं ठीक है तो यहाँ मिस्टेक थी आई होप समझ में आया होगा आपको ओके okay, नेक्स्ट है आई वर्कड एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर एट मंथ्स मैंने अभी तक जब भी बच्चों को कराती आती हूँ तो मोस्टली बच्चे मिस्टेक फाइंड आउट करते हैं यहाँ बच्चों को लगता है कि फोर के प्लेस पे सिंस आएगा ये बड़ा कॉमन सा गेस करते हैं बच्चे बट देखिए अब यहाँ है फोर uh, के बाद मैं बच्चों को बार बार बताती हूँ अगर किसी टाइम पीरियड वाले वर्ड से पहले कोई नंबर आ जाता है वन टू थ्री कोई भी एक नंबर आ जाता है डेज से पहले कोई नंबर आ जाए ईयर से पहले कोई वर्ड जैसे ईयर लिखा है या डेज़ लिखा है या जैसे मंथ्स लिखा हुआ है यहाँ तो इनसे पहले अगर कोई नंबर आ जाता है लिखा हुआ तो उसके पहले फ़ोर ही आएगा दैट्स वेरी करेक्ट ये बिल्कुल करेक्ट है तो यहाँ मिस्टेक नहीं है मिस्टेक कहाँ है देखो आई वर्कड यहाँ ठीक है वी टू यूज हुई है हम कर सकते हैं वी टू यूज है, है ना और यहाँ है एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अब यहाँ पे देखो जब भी एज वर्ड यूज किया जाता है और किसी पर्सन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद में हमें एक आर्टिकल लगाना जरूरी होता है तो यहाँ एन तो नहीं आ सकता तो अ और द में से आप कुछ भी लगा सकते ठीक है. है तो यहाँ इस पार्ट में मिस्टेक है समझ में आया तो सेंटेंस करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा आई वर्क एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर एट मंथ्स ठीक है समझ में आया सबको आई होप समझ में आया ये एक छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है आ, ऐसी आ, मैं और भी वीडियोस बनाऊँगी जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी पूरे जि, जितने भी अब तक के हमने ग्रामर टॉपिक्स टॉपिक्स किए हैं सब में आपको उम, एक सबके लिए एक रिवीजन भी हो जाएगी और प्रैक्टिकल रिवीजन होगी जरूर आपके लिए है ना चलो अभी देखते हैं कि इन सेंटेंसेस से आज हमने क्या सीखा फर्स्ट हमारा हमने देखा कि अगर सेंटेंस में मैनी वर्ड आ रहा है तो उसके बाद नाउन भी क्या रहेगा प्लुरल मैनी अपने आप में प्लूरल वर्ड है तो उसके बाद में वर्ड नाउन जो भी यूज़ होगा वो प्लूरल यूज़ होगा तो so ऑब्वियसली अगर सब्जेक्ट में भी मैन्यू वर्ड आ रहा है स्टार्टिंग में कहीं मैन्यू वर्ड आ रहा है और उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लेनी है इज एम आर वॉज़ वर तो वो भी हमारी क्या होगी प्लूरल तो मैनी अपने आप में प्लूरल वर्ड है और ये वर्ब और नाउन प्लूरल ही लेता है ठीक है नेक्स्ट है अगर हाँ नेक्स्ट हमने किया था थर्ड पर्सन सिंगुलर का रूल अगर कहीं हम थर्ड पर्सन का यूज़ कर रहे हैं और वो सिंगुलर भी है हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है हमारा सब्जेक्ट तो हम उसमें हैज़ और हैव की चॉइस हो तो हैज़ यूज़ करते हैं वर्ब में एस yes play और एस की चॉइस हो प्ले और प्लेज हो तो हम क्या यूज़ करेंगे प्लेज यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर है ठीक है नेक्स्ट है हमारा मैंने हमने नेक्स्ट रूल हमने किया था नीदर ऑफ इधर ऑफ का नीदर ऑफ़ इधर ऑफ़ आ जाए तो उसके बाद में एक तो हमने किया कि नाउन जो है हमेशा कौन सा आएगा प्लूरल आएगा उसके बाद जो नाउन हम यूज़ करते हैं वो प्लूरल लेंगे और नीदर ऑफ़ ईदर ऑफ को हमेशा सिंगुलर माना जाता है तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और उसके बाद जो वर्ब आएगी वह वर भी कौन सी होगी सिंगुलर ये सारे रूल्स अगर आप लिख लेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको एक रिवाइज करने के लिए आपको बहुत ईजी हो जाएगा है ना तो बेटर है जो जो रूल मैं बना बताती जाऊँगी प्लीज़ उसे आ, आप डेट वाइज लिख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारा हमने किया कि हमें ए आर्टिकल यूज़ करना है ए एन का यूज़ करना है तो हमेशा देखना होगा साउंड कौन सी है ये नहीं कि लिखा हुआ क्या आ, क्या है exactly नहीं हमें उसे बोल के देखना है साउंड चेक करनी है ठीक है उसके बाद हमने किया मैनी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पहले ही हमें मैनी के बाद प्लूरल लेना है लेकिन यहाँ पुअर का प्लूरल पुअर होता है पोइट्री का प्लूरल पोइट्री होता है ठीक है नेक्स्ट और हमने किया अगर सेंटेंस में मंथ्स ईयर और डेज में से कोई भी वर्ड आता है और उससे पहले अगर नंबर लिखा हुआ है वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो उससे पहले हमें फोर लेना है सिंस नहीं आई होप काफ़ी हेल्पफुल रही आपके लिए ये वीडियो अगर कुछ समझना समझ नहीं आया है तो वीडियो को फिर से देखो एम श्योर sure बहुत हेल्पफुल रहेगी थैंक यू बाय